Bullets were fired in Delhi's Tis Hazari Court premises over an argument among lawyers, as per the police. The firing incident occurred at around 1:35 p.m. in the court premises under the limits of Subzi Mandi police station. Sagar Singh Kalsi, DCP North, said that two different groups of lawyers, including office bearers of the Tis Hazari Court, allegedly shot in the air over an argument. No injuries have been reported in the incident. Kalsi said that the situation is now normal and action has been initiated. Mukesh is now joining us with more details on this. Mukesh, is par abhi tak kya action liya hai police ne? देखिए, ये घटना करीब दोपहर 1:30 बजे की है, जब तीस हजारी कोर्ट में जो वेस्टर्न विंग है वहां पर वकीलों के दो ग्रुप में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद एक ग्रुप ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की। इस फायरिंग का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिसमें दिख रहा है किस तरह से कुछ वकील जो है वहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं और एक वकील जो है वो तेजी से भागता है और वहां पर फायरिंग करता है, जिसकी आवाज दूर तक जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस पूरी फायरिंग में कोई भी वकील इंजर्ड नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस का पीसीआर कॉल मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने करीब 4 से 5 खाली कारतूस बरामद किए हैं। ये जानकारी मिली है कि जो बार एसोसिएशन है वहाँ का, उसके दो ग्रुप्स के बीच में आपस में कोई विवाद चल रहा है और ये झगड़ा करीब 10 दिन पुराना है। इसी को लेकर दोनों ग्रुपों में आपस में आज जो है कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद एक ग्रुप ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले लॉयर की पहचान कर ली है और पुलिस का कहना यह है कि इस पूरे मामले पर जो पूरा लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है और जो फुटेज मिला है उसके बेसिस पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। Mukesh Sengar, they're reporting on this incident of firing after two groups of lawyers had an altercation. The firing was in the air, no one was injured, but the police is going to take action in this matter as the firing happened in the court premises in Delhi.